रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। दादाजी के कमरे में तो मॉर्निंग इवनिंग का कुछ पता ही नहीं चला। तो रोशनी कर लो, अंधेरे में इनका जी भी घबराता होगा। क्या मैं बत्ती डाल सकता हूँ? मुझे इनकी रिपोर्ट देखनी है। दादाजी को तो अंधेरा ही पसंद है, तुम चाहो तो जला लो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दिन की रोशनी में मैंने दादाजी का चेहरा कभी देखा ही नहीं, हमेशा सेमी डार्कनेस में देखा। मैंने सुना है कि गांधी जी को अंधेरा इतना बुरा लगता था कि सोते समय भी लाइट जला रखते थे। दादाजी को तो अंधेरा ही पसंद है, शायद ये महात्मा नहीं, बस एक अच्छी एवरेज आत्मा है। We have to aspirate him. There's a lot of fluid. Sister, find me a plug point. सिस्टर यहाँ पे एक plug point है। That is two pin, doctor. ठीक है। ये खोपड़ी तो बंदर की लगती है। हाँ, 3-4 हज़ार साल पुरानी है। तुम्हें कैसे पता? दादाजी ने बताया। पुरातत्व शास्त्री थे ना? क्या क्या क्या? पुरातत्व शास्त्री माने आर्कियोलॉजिस्ट। मैं तुम्हारे समान राइटर नहीं हूँ भाई, पर ये वर्ड याद रखूंगा, पुरातत्व शास्त्री। तो ये सचमुच आर्कियोलॉजिस्ट है? हाँ, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, स्कूल में पढ़ा था कि नहीं? ऑफ कोर्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन। एग्जैक्टली। दादाजी वो खोलिए। फोटोज देखी है मैंने, समवेयर नॉर्थ इंडिया। नहीं, नॉर्दर्न देन दैट, पाकिस्तान। घबराने की बात नहीं दादाजी, अंदर बलगम भर गया है, उसे निकाल रहे हैं, सांस लेने में आसानी होगी। ओके दादाजी। He is 89, born 1910। इन्हें आपने अवार्ड के बारे में बताया? सबसे पहले कोई कुछ भी कहता रहे, मेरे हिसाब से तो इनकी दिमागी हालत बहुतों से बहुत अच्छी है। इनकी मेंटल इलनेस शुरू कब हुई? सच्ची बात तो यह है कि दादाजी को नॉर्मल सिर्फ शायद हमारी मैथिली दादी ने ही देखा है। दादाजी कभी किसी से बात ही नहीं करते थे मुझे छोड़कर, और मुझे खूब कहानियाँ सुनाई है इन्होंने। इनकी कहानी ऐसे नहीं शुरू होती कि एक समय की बात है एक राजा था, बल्कि ऐसे शुरू होती है, जहाँ मैं था वहाँ एक राजा भी था। इनफैक्ट मेरा अगला नॉवल इन्हीं की एक कहानी पर आधारित है। इनकी कहानियाँ कब वास्तविकता से कल्पना लोक पे पहुँच जाती है ये बताना बहुत मुश्किल है, इतना इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है दोनों का। मैं ट्राई तो कर रहा हूँ कि मेरे नॉवल में भी
यही बायो फिक्शनल क्वालिटी आ जाए। बायोफिक, इंटरेस्टिंग। अच्छा क्या थ्रिलर है? थ्रिलर भी कह सकते हैं। ये कहानी है कहाँ की? यही हिंदुस्तान की, लेकिन पार्टीशन के पहले, अराउंड 1946। दादाजी इंग्लिश आर्कियोलॉजिस्ट मॉर्टिमर व्हीलर के साथ काम कर रहे थे एट लारखाना डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। Double burial site, all right. बिल्कुल वैसी जैसी लोथल में मिली। एक कब्र में दो लोग। सामने ये दोनों। Yes, Mr. Wheeler. We have been ordered to leave this site. Why, may I ask, sir? What is this at this time, sir? Broadly, Pakistan. Oh, all right, Mr. Wheeler. Amjad, हमें अपना बोरिया बिस्तरा समेटना होगा। क्यों? हिंदू मुस्लिम दंगे होने के चांसेस है। To go to Karachi. No, no way. No writer is going to make me leave my grave. Exactly. We don't want it to become your grave, Mr. Amjad Khan. We are leaving. It is serious. I'll give you 1 hour to pack up and to safeguard what has been excavated. Kamban, Kamban, Jaldi, Jaldi, Kamban. Kamban. It is pack up time now. Yes, Mr. Wheeler. Yes, sir. All right, Padham, control your temper. जब ये 5,000 साल से यहीं है, तो आप कहाँ जाएगा? दोबारा आ जाएंगे। ईसा से भी हजारों साल पहले सभ्यता ने सीवेज सिस्टम के बारे में सोच लिया। एक ये सभ्यता थी, जिसने अपने बच्चों को खेलने के लिए खिलौने दिए। भाई हमारी सभ्यता है, जो सियानों को आपस में लड़ाने के लिए उनके हाथ में मदद थमाएगी। ठीक है भाई, लेकिन हम उस सभ्यता में थोड़े रह रहे हैं। हम यस मिस्टर वीरा। तुम लोग क्या करने वाले हो हमें मालूम है, लेकिन ज्यादा नहीं होने चाहिए। जान, अरे बताओ ना, मैं तो कभी भी नहीं आया। हमने कभी एक झूठ बोलना इससे भी बड़ा पाप है, समझे? तुम भी यार। हम जब हाँ जी जल्दी लौट आना, ख्याल रखना इसका। आप लोग चले ना, चलो ड्राइवर। To India. Yes, to India. तुम लोग किस इंडिया के काम ना कर रहे हो? पूरे याद है। Ah, Ram, what is your poison? Partition, sir. I want a single country. I'm sure that Abjad would want a Pakistan and a larger one at that. No way, sir. They want to impose Sharia. Yara, शराब पीने को तो दूर, सूंघने को नहीं मिलेगी। No, thank you. Not a large Pakistan. A large rum is all right by me. आ गया सिंधी, behave yourself. पुलिया बेकार दूंगा। वीला, एक लाख रुपए। Hello, Mr. Wheeler, how are you? क्या रंग है? बहुत तेज है। तुझे कैसे पता लगा कि मैं ही हूँ? तुम्हारे जैसे गधे को मैं सूंघ कर पहचान लेता हूँ। नबी साहब अभी अमजद के रहते तो घर में बस एक ही गंध आती होगी, गधे की गंध। बिल्कुल नहीं, मुझे तो अच्छे अच्छे इत्रों की खुशबू आती है। वो पता किस लिए? क्योंकि ये बदमाश इत्र में अपने गधेपन को छुपा लेता है। सॉरी मिस्टर व्हीलर, इट्स अ हिंदी जोक, बट यू अंडरस्टैंड हिंदी। थोड़ा थोड़ा थैंक यू।
लालवानी, कुछ दिनों के लिए हमारा काम बंद कर दिया गया। क्यों? इंडिया पाकिस्तान प्रॉब्लम है, इसको पाकिस्तान चाहिए। अरे भाई मैं कहाँ जाता हूँ? कुछ लोग तो चाहते हैं। अरे छोड़ो यार, मैं जा रहा हूँ कलकत्ता अपनी बीवी से मिलने। 20 दिन हो गया यार। यही मैं सोच रहा था कि अभी तक पंडित जी की जुबान पर उनकी बीवी का नाम कैसे नहीं आया। लो आ गया। भाईजान आप कलकत्ता कब जा रहे हैं? 2-1 दिन में। फिर तो मुझे भी वहां आना पड़ेगा। क्यों? अबे राखी का त्योहार आने वाला है। हाँ, मुझे तो भूल ही गया था, ये साला तुम्हारा भाई भी तो है। अरे भाई लालवाने, हम सब साथ में चलेंगे कलकत्ता। हाँ, लेट्स ऑल गो। कब आ लो? ये जोक तो नहीं है ना? नहीं। No, Rocky for me. It's not Rocky, it's Rocky, Mr. Bowie. Rocky? I'm not Rocky, sir. I'm Lalwani. Excuse me, I think you should take a chair. No. Those chairs. Only a guy, sir. Sorry. Excuse me. कहाँ गया? ये पंडित तो अभी से जोरू का गुलाम बन गया। उसकी नई नवेली दुल्हन का फोन। सुनिए भाईजान, को तंग मत कीजिए। यही कि बंगाली ने कितनी बोरिंग होती है। ओके 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 शट अप। आई लव यू एंड मिस यू। मैं हूं क्या कर रही हो? जोर से बोलो ना। क्यों? पोस्ट ऑफिस से फोन कर रहे हो? ये कलकत्ता के फोन हमेशा लगे रहो पंडित जी, दोस्तों से क्या शर्मा। हम जो दो लालवान, उनसे नहीं मेरी शादी तुमसे। मैं नहीं, वो मेरे पीछे लगे हैं। ललन जी, मैं अमजद बोल रहा हूँ। हाँ, आपसे मिलने को बहुत बेताब है हम लोग। अरे राम बताता है आप बहुत ही लजीज और अच्छा खाना बनाती हैं। अरे आना तो चाहते हैं, लेकिन राम और हम लोग कलकत्ता 1 महीने से पहले नहीं आ सकेंगे। नहीं, क्यों तंग कर रहे हैं? हेलो, अपना वो झूठ हवा इसके। ओह, वो लड़की बीवी है अमजद की। अरे भाभी जी, मैं लालवानी बोल रहा हूँ। अमजद बिल्कुल झूठ बोल रहा है। देखिए, मिसेस आशा राम नाम की कोई लड़की नहीं है, और ये तो बिल्कुल ही झूठ है कि राम ने पैसे दिए उसे सेटल हो जाने के लिए। राम मार क्यों रहा है? मैं अमजद वापस। देखिए यहाँ जरा तकरार शुरू हो गई है, आप बात में फोन कीजिएगा। अरे राम अपना मारो यार, राम को मत मारो। हां चले जी, खुदा हाफिज़। अपना दैट रास्कल बेचारी, वो पोस्ट ऑफिस से फोन कर रही है। ये क्या हो रहा है? अरे भाई परेशान हो रहे हैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा। भाईजान, मैं जो मंगलसूत्र मद्रास से लाई थी उसके बारे में बता दिया आपने? बात ही कहाँ करने दी, बेचारे परेशान हो रहे हुए। अरे भाई देखो, परेशानियों का एक ही हल होता, बढ़िया शराब, बढ़िया विस्की पियो, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अबे बेवकूफ, मैं यहाँ विस्की पी हूँ, वहाँ कलकत्ता में अपर्णा की परेशानी कैसे दूर होगी? वैसे भी मुझे विस्की पसंद नहीं। गुड, तो रम पियो। ये घोड़े पीते हैं घोड़े? नहीं नहीं पंडित जी, रम सिर्फ घोड़े नहीं गधे भी पीते। पियो पियो, ये पकड़ इसको जरा। घोड़े पीते मुकर। भाईजान अब ठीक तो है? पानी पानी पिलाओ, पंडित जी को पानी पिलाओ। ये लीजिए पानी। नहीं सर, पानी नहीं। तो थोड़ा रम बिच समझी? नहीं, ये भी जोक है। रीना अब तुम भी रम पियो। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोग को हिंदी गाना सुनाइए। Well, I don't understand this applause, but there was no singing. The applause is for your Hindi, sir. धन्यवाद। मनु जी, शुरू हो जाओ। मनु। Hey, Richard, 4-4. Yes. All right. Oh!
साहब बंगाल के प्रीमियर होने के साथ साथ मुस्लिम लीग की भी तो है ना, इसलिए जिन्ना साहब का डायरेक्ट एक्शन डे सोहरावर्दी साहब मना रहे हैं बड़ी धूमधाम से। सामान लेने चौकीदार आएगा, जाइएगा मत। ए थापा थापा, हाँ गुड मॉर्निंग, सामान लेके ऊपर आना, कांच का सामान है। हाँ जी साहब। नमस्ते वादी। हेलो राम, आई थॉट यू वर इन कराची। हाँ जस्ट केम इन टुडे सर। आप कैसे हैं बॉडी? अच्छा नहीं, सारे के सारे दुकान बंद पड़ा है, हमारा केमिस्ट का दुकान भी। बदमाश फरावर। दुकान काल के खुल गए, जो दिन आ खोले फिर हमारा शरीर खराब है। ना ना ना, किस चौबर आप दादा। ऑरेंज ऑरेंज। ओ थैंक यू, बाय बाय राम। I'll call the police. Chowkidar, Gurkha. Ah, I'm going to listen to you. I'm going to kill you. I have a gun. Come on, you rascal. Hey, hey, hey. मुझे मार दोगी तो विधवा हो जाओगी। Don't shoot. तुम बदमाश बदतमीज, अपने आने की खबर क्यों नहीं दी? मेरे तो प्राण ही निकल गए थे। मैं तुम्हें सरप्राइज दे रहा हूँ। क्यों लो? Are you all right? अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे बाबा का टेलीग्राम आया है। हाँ। जरा इसे। वाह, बिना गोली के पिस्तौल से बेलन ही भला। गोलियां कहाँ हैं? अलमारी में। अरे वाह, वेरी क्लेवर, शाबाश। टेलीग्राम। तुमने तो पढ़ा ही होगा, बताओ क्या है? टेलीग्राम था, एलिए खोल लिया, सॉरी। डोंट बी स्टूपिड, फादर सीरियस, यही है ना? ना, दिस इज मोर सीरियस। ऊपर चले गए? ठीक, तो पढ़ के बताओ ना। Your father, Sheshadri Ailing, stop. Would like to see you married, stop. Has arranged a bride from Mannargudi, stop. Expecting you in Madras soon, stop. Consider this as an emergency, stop. Ashirvatham, stop. Bhashyam, don't come next to me. तो इसीलिए तुम्हारा मुंह उतरा हुआ था। तुमने क्या सोचा, ये टेलीग्राम पढ़ते ही मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? उन लोगों की इन्हीं हरकतों की वजह से मैं मद्रास छोड़कर कलकत्ता आया। उनकी पसंद की लड़की से शादी करनी होती तो 10 साल पहले कर ली होती मैंने। बाहर ही रखो। नेका, सब कुछ बाहर बाहर में, उसको तुम अंदर में रख के जाओ। चाबी भी बाहर रख दिया। शॉप शो में टाका दी, स्पॉइल करता अभी ना। आ की आ चुकी। नहीं नहीं नहीं, अरे छाड़ो बोलची। नहीं नहीं, आई ब्रॉट ग्लास वेयर। अरे बोलची ना छाड़ो। नहीं नहीं, ग्लास वेयर है इसमें, टूट जाएगा। बस अब प्लीज मेक अप माय माइंड अबाउट व्हाट। हमें कोई शौतिन चाहिए ना, मुझे साउथ इंडिया से कोई शौतिन नहीं चाहिए। नॉर्थ इंडिया से चलेगी? अच्छा, वो नॉर्थ इंडिया से है? अरे बोका, कोनो अन्नु में नहीं, আমি শুধু তোমাকে ভালোবাসি। চলো
बस नाउ कैन आई टच यू. अच्छा टचिंग पे भी राशन. थैंक यू मैम. गए वो दिन जब एक अहंगार बाप अपने लड़के के लिए लड़की पसंद करता था. ताहले तुम्हें तुम्हारे बाबा के कष्ट दे. हो धीरे बंगाली गधी मैं अभी बांग्ला सीख रहा हूँ. ठीक है फिर तो तुम्हारा बाबा बहुत गुस्सा खा जाएगा. तुमको तुम्हारे फैमिली से निकाल देगा. What? चाहे वो गुस्सा खाए या कड़कटे मुझे कोई परवाह नहीं. यू आर माय ओनली फैमिली. इससे बड़ी चाहिए तो चलो कोशिश करते हैं. व्हाट इज कड़कटे? खाने की चीज. कैसी होती है? तुम्हारी तरह कुड़क मुड़क. व्हाट इज कुड़क मुड़क? ये तभी तुम समझ पाओगी जब अपने बच्चे को देखोगी. জ্যোৎস্না বলের পথে চিতাবাঘের গায়ের গরণ হৃদয় আমার হরিণ যেন রাত্রির এই নিরাবতার ভিতর কোন দিকে চলেছি রূপালী পথের ছায়া আমার শরীরে কোথাও কোনো হরিণ নেই আর যতদূর যাই কাষ্ঠের মতন বাঁকা চাঁদ শেষ সোনালি হরিণ শস্য খেতে নিয়েছে যেন তারপর ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে শত শত মৃগিদার চোখের ঘুমের অন্ধকারের ভিতর. ওরে বাবা রে মরে গেলাম. कराची में क्या खाते थे? आज रात हम यहीं बालकनी में सोएंगे. हाँ हाँ फिर धीरे धीरे हमारा बेडरूम इधर ही शिफ्ट कर देना और भीतर वाला बेडरूम में अपना दूसरा बीवी को. चुप. बार बार वही बात मत दोहरा. ओ माय गॉड. की बोलो की कुछ चुप. एटा ये नहीं. Underwear चाहिए. क्यों है चिड़की? I forgot something. कि कोच्चो, careful, careful, correction papers, mark sheet सब है उधर. Okay, teacher.
कुथे जाच्चो? Close your eyes. आँखें बंद. दीर्घ सुमंगली भवा. मद्रासी मंगलसूत्र पहना दिया. अब मेरा बाप भी ये नहीं कह सकता कि तुम मेरी ब्याहता पत्नी नहीं हो. मद्रासी स्टाइल तो ठीक है, व्हाट अबाउट बंगाली स्टाइल? व्हाट? छिद्र को था. उठा रेडिंग. वांट ड्रॉप ऑन द बेडशीट और तुम्हारे माथा तोड़ दूंगी. ओके टीचर. सिंदूर आर्थे रेडिंग कम समर्पयामी. मेरे लिए क्या? क्या तुमको भी मंगलसूत्र चाहिए? I suppose. Step aside, please. Oh, all right. Pam pam pa bam, pam pam pa bam. Thank you. Thank you. अच्छा राम, तुम सच्ची में बोलो, तुमको क्या चाहिए? खाने के लिए कुछ. ए राम, छी. लड़का या लड़की? एक लड़का एक लड़की, जुड़वा. अब खाने के लिए कुछ? घर में मेरे अलावा खाने को कुछ नहीं है. वो तो ठीक है, लेकिन पेट के लिए इंटरनली समथिंग. छुट्टी बोल छी. मैं भी दो दिन से ब्रेड बटर खा रहा है. अरे बाबा, क्यों? हमको बाजार में जाने को बहुत डर लगता है. Don't be stupid. चलो मेरे साथ. I don't want to be sexually assaulted. You were just now sexually assaulted, man. ना बाबा, थैंक यू. तुम तो ऐसे कह रही हो कि जैसे कलकत्ता में जंगली इंसान बसते हो. मैं खाने के लिए कुछ खरीद के लाता हूँ. ओगो सुनचो, आज के दुकान गुलो सब बंद हो. सिर्फ मुसलमानों की दुकान बंद होंगी, हिंदू दुकानें खुली होंगी. राम, अमर भय लागछे, प्लीज जेओ ना कोथाओ. Don't be afraid. I'll be back in 15 minutes. You know what I'm gonna have for dessert? What? आपके यहाँ टेलीफोन है? Hello, Mr. Sakith Ram. Hello, Commissioner Hardwick here. Yes, yes, of course I remember you. How's Rick? Mortimer Wheeler. Yes, but Mr. Ram, I mean, what can we do? It's hardly up to me to get involved in your affairs. The Hindus, they want us to get out all together. The Muslims, they want us to give them the country. And I'm helpless. Look, I'll tell you, why don't you you phone the Congress office and, or even you could complain to Mr. Mahatma Gandhi. Hello? Hello? Ah!
दरवाजा खोलो मेम साहब, मैं आपका पुराना टेलर अल्ताफ मेम साहब, आपका नया नाप लेने आया हूँ मेम साहब। अल्ताफ, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद कर रहे हो? हाँ? क्या अपना खा, मिल गया अपर्णा, 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 बाल का निकल बस साफ। इचे नाम বন্ধ না করিস তাহলে তোর মাথা উড়িয়ে দেবো শুয়োরের বাচ্চা। ঠিক হ্যায় গোলি মত মারিয়েগা, আপ জো চাহেঙ্গে করুঙ্গা। মেরি গর্দন টুট রহি হ্যায়, জরা হাত খুলিয়ে না, আপ জো চাহেঙ্গে করুঙ্গা। Thank you.
गलती कबूल करता साहब, लेकिन साहब माहौल देखो साहब, इस माहौल में सब लोग थोड़े पागल हो जाते हैं साहब, और मैं अकेला नहीं हूं सामने सारे लोग हैं साहब। नहीं साहब नहीं, अल्लाह नहीं बेटा। अल्लाह ने आपको भेजा बरादर हमें बचाने के लिए। नूर बेटा आजा। श्री राम अभ्यंकर। अभिवादे विश्वामित्र आगमर्षण कौशिक त्रय्याश्रेय प्रवरान्वित कौशिक गोत्र आपस्तम सूत्र यजुस्साहात्यायी श्री राम अभ्यंकर शर्मनाम अहम अस्मि। वंदे मातरम बंधु, आप भी चलिए हमारे साथ शिकार पे। ठीक है,
इसे पढ़िएगा, इस पर मेरा पता है। अगर हो सके तो आके मिलिएगा, हमें साथ साथ बहुत कुछ करना है। ठहरिए, ऐसे मत जाइए वरना लोग समझ नहीं पाएंगे कि आप कौन हैं। गुड हंटिंग। कलकत्ता में रहते हैं जी? तुम्हारे पेचो ने के वो आशी ने तो हमें देखिए नहीं, हमें ख्याल करी नहीं। यू डोंट सीम टू बी बंगाली। आई एम सॉरी, आई एम नॉट। कोई बात नहीं, कल कितनों को मारा? आई एम अमर। दूसरों की हत्या करने का साहस तो आ गया, पर अपनी हत्या करने का साहस जुटा नहीं पा रहा हूं। आपके पास तो आपके कारण हैं, धर्म विचारधारा। मेरे पास कोई बहाना भी नहीं है, मेरी आधी जिंदगी आधी आत्मा खत्म हो चुकी है। सर, आई एम नॉट अ मैन लाइक दिस। सर, उन लोगों ने मेरी पत्नी अपर्णा को, मेरी बहन, 20 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद उसे मार डाला। मेरे जैसे कितने लोग, कितनी माताएं, कितनी बहनें। आपकी पत्नी मर गई? आपके विचार से इस सबके लिए दोषी कौन है? बंगाल प्रीमियर सोहरावर्दी? नहीं, बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना? नहीं, केवल एक आदमी मेरे दोस्त, बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी। शुरू से उन लोगों का पक्ष लेते रहे हैं वो, खिलाफत आंदोलन ये वो कह के
एक छोटे से हरे पौधे को सींच सींच कर इतना बड़ा वृक्ष बना दिया। कहाँ जा रहे हैं? पुलिस के पास। आप फिक्र मत कीजिए, आपके बारे में नहीं बताऊंगा, बस अपने अपराधों की सजा मांगूंगा उनसे। सजा? कौन किसको देगा सजा? कानून छुट्टी पर गया है मित्र, लेकिन हम काम पर हैं। आइए समझाता हूं। देखो मित्र, सजा अपराध के लिए दी जाती है, कर्तव्य पालन के लिए नहीं। अगर हत्या करना अपराध है तो फिर युद्ध करना भी अपराध है, है कि नहीं? जो फौजी युद्ध में दुश्मन को मारता है वो अपराधी कैसे हुआ? मैं फौजी नहीं हूं, मैं सिविलियन हूं। ये सिविल वॉर है बंधु। जिस स्थिति में हमारा देश है, हम सबको योद्धा बनना पड़ेगा, याद रखना। ये किताब पढ़िए, प्रतिबंधित है, कवर मत उतारिएगा। ये भी सर। अगर जीवित रहा तो फिर भेटोगी। वंदे मातरम। এই সবাই নিচু হয়ে যাও। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यहां से ले चलो प्लीज। शगुन दीदी, प्रभु नारायण की सवारी देखो। आयुष्मान भव। दीदी आशीर्वाद प्रभु को। भगवान कृपा दृष्टि बनाए रखना प्रभु। अंजे, मुस्कुराने से कभी किसी का नुकसान नहीं होता। और सुनो, ये संबंध अवश्य स्वीकार कर लेना। नौकरी छोड़ी ठीक है, हजामत छोड़ी वो भी ठीक है, लेकिन घर बसाने का सुख मत छोड़। लाइफ गोस ऑन। तुम्हारे पिता की यही इच्छा थी, वो तुम्हारे घर में पुनर्जन्म ले। संभवामि युगे युगे। भाष्यम। हाँ? प्रभु से यही प्रार्थना है कि मुझसे पहले तुम्हारे जीजा जी को उठा ले, अगले ही दिन मुझे बुला ले। हाँ, बस इतना अवसर दे दे कि मैं अपने पोते के साथ खेल। दीदी आपके बाद मैं भी बढ़ जाऊंगा, बस कुछ दिन राम के बेटे के साथ खेल लूं। जी माटी मिले जा रहा है शुभ कार्य के लिए, बातें कर रहा है मरने की। तुमने शुरू किया था, ठीक है राम, अब शुभ शुभ बातें करेंगे। मेरे पिताजी और पत्नी की मौत को 6 महीने भी नहीं हुए और मैं लड़की देखने जा रहा हूँ। माटी मिले, जब भी मुंह खोलेगा उल्टा ही बोलेगा, संभाल के। मांझे आ गए, बुलाइए।
सुनिए वो लोग आ गए। आ गए? नाना चिची। ओहो कौशी। Humble welcome to Shri Bhashya Mayangar IIM and his bhanja Mr. Saketra Mayangar. अरे रंगप्पा क्या कर रहे हो? हेलो सर। योगा स्पेशलिस्ट राम। हे राम। हे राम। वेदा कैसा है यार ये क्या दाढ़ी वाली रख ली मामा जैसी तूने? पर एक कम तूने अच्छा किया मामा जैसे ब्रह्मचारी नहीं बना तू। सेकंड मैरिज यार। अरे मौसी जी भी आई हुई है। प्रणाम मौसी जी। कैसी हैं आप? मौसा जी नहीं दिख रहे। नहीं। वो नहीं आए? नहीं। क्यों? नहीं आए बस। पर क्यों नहीं आए? तबीयत ठीक नहीं है। सत्यानाश क्या हो गया उन्हें? माटी मिले है? 7 साल हो गए उन्हें लकवा लगे। अच्छा अच्छा। और आज बड़ा पूछने वाला आया। तब ठीक है। चल दीदी। चुप। रिश्तेदार है आपका? नहीं नहीं रिश्तेदार नहीं है। इधर उधर घूमता रहता है बस। कलेक्टर हूँ। अरे बिल कलेक्टर खुश। प्रीतली आंखें नीची और आवाज भी समझे? ननन जी चुप ही रहो ना। छुओ। आयुष्मती भव। आयुष्मती भव। अरे मेरे पांव क्यों? नहीं नहीं ठीक तो है बड़ों से आशीर्वाद लेना ही चाहिए। अरे आपने तो कॉफी ली ही नहीं। लीजिए ना मैथिली नहीं बनाई है। सुनिए बता दीजिए ना एम्ब्रॉयडरी भी अच्छा करती है। हाँ ये TVR नाना जी के इनिशियल्स ये कृष्ण मैथिली नहीं बनाया। बाबूजी स्वीट ड्रीम्स भूल गए? स्वीट ड्रीम्स ये लेटेस्ट है। इतना ऊंचा सुर गला फट ही जाएगा। मामा ये तो बिल्कुल बच्ची लगती है। तुझे क्या बुद्धि चाहिए? वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नाने रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीर पराई जाने। आंखें चार हो गई मेरी नहीं इनकी। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई। वारणमायिनम चूड़मलम सेइद नारण नंबि नरक्किन्नार एन्नद पूरण पोक्कुडम வைத்தபுரமெங்கும் தோரணம் நாட்ட ஏ பந்தன் ஹே ஜன்மோ பீப்ரி சூஸ்னா பந்த் கரோ பஜாவோ
ये क्यों नहीं आए? अरे आ गया ना राजा, पूजा पाठ करके आ जाऊंगा। मेरा कमरा कहाँ है? फिक्र मत करो, पंचपात्र गंगा जल सब तैयार है। ज्यादा नहीं, अरे मेरा रास्ते में थोड़ा हो गया, आखिर मैं डॉक्टर हूँ ना, संभाल लूंगा। डॉक्टर मैं भी शुरू कर दिया। हाँ थोड़ा सा, थोड़ा सा नहीं थोड़ा सा। ए ये क्या, भाई लेट ट्रेन लेट। ये बंधन है जन्मों का। और लीजिए, कोई कभी नहीं। दीदी ये अरे धुआं नीचे की तरफ मत छोड़, भाष्यम मामा की नाक बड़ी तेज है। अरे दुले क्या सोच रहा है? यहाँ मेरी शादी हो रही है और वहाँ दिल्ली में संसार के सबसे बड़े तलाक की तैयारी हो रही है। होने दो, अच्छा है कि पाकिस्तान बने और मियाँ भाइयों वाली बला हमेशा के लिए टले। रैडक्लिफ ने एकदम एक्सपर्ट सर्जन की तरह नासूर को शरीर से अलग कर दिया है। रैडक्लिफ कौन? मेरा भांजा। अच्छा अच्छा, मान गया साला। नहीं माना साले, रैडक्लिफ कौन? हिंदुस्तान पाकिस्तान की विभाजन रेखा तय करने वाले महानुभाव। दीदी, अरे अरे डॉक्टर को बुलाओ। या क्या हुआ? क्या हुआ? डॉक्टर। दीदी ठीक हो ना? कुछ नहीं मामा जी, हाइपोग्लाइसीमिया। चलो यहाँ से। मौसी जी आखिरी बार कब खाना खाया था? कल। क्या खाया आपने? कल से तो सिर्फ कॉफी पी रही हैं। पित्त चढ़ गया होगा। पित्त नहीं, पथरी में ये। वो भी नहीं। और क्या हो सकता है? शोर मत मचाओ। मौसी जी ये पित्त चढ़ने की बात नहीं है, खाली पेट रहने का मामला है। मौसी जी आपसे कितनी बार कहा है ये गांधी वालों जैसा मत कीजिए। गांधी जी का मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं? इनका वंश ही ऐसा है। महात्मा क्या, ये तो भगवान की हंसी उड़ाने से भी नहीं चूकते। नहीं मामा जी, आई एम जस्ट बीइंग प्रैक्टिकल। देखिए मैं महात्मा जी का मजाक नहीं उड़ा रहा था, एक डॉक्टर के हैसियत से सिर्फ ये कह रहा था कि ऐसा उपवास करना नहीं चाहिए जिससे स्वास्थ्य का नुकसान हो। आप और हम उपवास रखेंगे तो उसका नतीजा होगा बीमारी, महात्मा जी उपवास रखेंगे तो उसका नतीजा होगा आजादी। आपने खा लिया? नहीं मौसी जी, पेट भर गया। गैस भर गई होगी, खा लीजिए। जैसा बताया वैसा करना, घबराना नहीं। दूध वहाँ रखा है। मैं दूध नहीं पीता। क्यों? डॉक्टर ने मना किया है? प्रकृति ने। अगर जीवन भर दूध पीना आवश्यक होता तो भगवान ने अवश्य ऐसी व्यवस्था की होती कि मरने तक औरतों की छाती दूध से भरी रहती। हंसती क्यों? अगर ऐसा होता तो आप लोग औरतों को बाड़ी में बांधते और खली और भूसी खिलाते। इंटरेस्टिंग नहीं? गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी मेरी है। ओह, आई एम सॉरी। नहीं नहीं पढ़िए, अच्छी लगी? नहीं, आई यूजुअली डोंट लाइक सेमी फिक्शन। कुछ और नहीं था पढ़ने के लिए तो। जी मैं सूती धोती पहना हूँ। माँ ने कहा है कि सिल्क की साड़ी पहन के ना सोऊं।
कौन है? अपर्णा तीसरे माले पे। तीसरे माले पे? ओ, नायर साहब का गेस्ट। Can I help you? What can I do for you? सपनों का हर दर्पण टूटा, हर मौसम लगता है झूठा। कितना गहन है समय का साया, दिल के उजाले हाँ, मैं भी मद्रास प्रेसिडेंसी से हूँ। पहले यहाँ कौन था मुझे मालूम नहीं है, अब सारे नए टेनेंट्स हैं। क्या नाम बताया था आपने? साकेत राम। आप उनसे आखिरी बार कब मिले थे? किससे? साकेत राम से। साकेत राम तो बहुत दिन हुए, पूरा एक साल। मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, ठीक एक साल पहले इस बिल्डिंग में जोरदार कत्लेआम हुआ था। शायद आपके साकेत राम भी उसी में मारे गए हों। सॉरी,
नहीं नहीं कोई बात नहीं, फिर तो उन्हें ढूंढने का कोई फायदा नहीं है ना। नहीं नहीं हर्ज भी नहीं, साकेत राम से आपका क्या रिश्ता था? रिश्ता वही जो शरीर का आत्मा से होता है, वो मेरे अभिन्न थे। मैं वो तस्वीर ले जा सकता हूं? I'm willing to pay for it, please. मैं किसे मरी बताऊं? हेरा बताने दो ना। जवाब दो, बोलो छोड़ा मर्दी कोता है? वो यही है। ये रहे सोरावर्दी भाई, अब आप लोग इनकी बात ध्यान से सुने। बंधुओं, यही बंगाल का परम सौभाग्य जो गांधी जी कॉल करता आया और हिंदू मुसलमान को शांति से साथ साथ रहने का रास्ता दिखाया। यही नाजुक घड़ी में महात्मा जी हमारे साथ है, इसे अपना अहोभाग्य मानकर हम लोग को बंधु संघार बंद करना चाहिए। पिछले साल जो संघार हुआ उसके लिए आप जिम्मेदार थे कि नहीं? हम सब जिम्मेदार था। नहीं, बंगाल के प्रीमियर की हैसियत से आप जिम्मेदार थे कि नहीं? Were you not directly responsible for making murderers out of ordinary men? सीधे सीधे जवाब दीजिए। हाँ, हम जिम्मेदार था। शाबाश, good. मूर्ता पर तालियां बजती देख तुम्हारे मन में भी वही प्रतिक्रिया हो रही है बंधुवर जो मेरे मन में। अभ्यंकर,
10 महीने की जेल, गिरफ्तारी से बचने की जुर्म में, बाकी कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाए वो। सुन लिया भाषण? सोरावर्दी जैसे सांप के कंधे का सहारा लेकर खड़े हैं, कैसे महात्मा है ये? लोगों की स्मृति में कुछ नहीं रहता, ये रोग सिर्फ हम लोगों के लिए है। ये लोग भेड़ बकरियों की तरह इस बकरी का दूध पीने वाले के पीछे पीछे जा रहे हैं, और वो सत्य और अहिंसा का डंडा उठाए बड़े प्रेम से उन्हें हाके लिए जा रहा है। किधर? एक हंगामी बकरी की तरह। सुना, मारे जा रहे हैं फिर भी जिंदाबाद बोले जा रहे हैं। इस मूर्ख धर्मनिरपेक्ष बिरादरी के जर्मनी इंग्लैंड भाई भाई, चीन जापान भाई भाई, बकरी कसाई भाई भाई, सब भाई भाई, तो फिर औरतों का क्या करोगे? तो फिर शादी किससे करोगे? हमारा तो दो बीवी है। वो माँ, जोची चारी मामा की भविष्यवाणी सच हो गई। हाँ, वो वापस आ गए हैं। उनकी ताबदार मूछें बड़ी रोबदार हैं। माँ, तुम यहाँ आओ ना, बाकी बाद में बताऊंगी। सॉरी। इट्स ऑलराइट। I'm sorry. क्यों? बिना बताए चला गया इसलिए। तुम अभी बच्ची हो, ये सब नहीं समझ पाओगे। अब आपको एक और माफी मांगनी पड़ेगी। क्यों? मुझे बच्ची समझने के लिए। ये कोई बाल विवाह का मामला नहीं है, हम दोनों सयाने हैं। पहले मुझे सिर्फ ये पता था कि मैं आपकी सेकंड वाइफ हूँ। बाद में भाषण मामा से पता चला कि आप पे क्या क्या बीती। आप बस 3 महीने के थे ना जब आपकी माँ चल बसी। आपने उनका चेहरा भी नहीं देखा। फोटो तो है पर माँ तो नहीं है ना। वसंता दीदी है, वही मेरी माँ है। लेकिन मैंने जब कलकत्ता के बारे में पढ़ा तो मैं दहल गई। आपने वो सब कुछ खुद अनुभव किया है। कहीं कलकत्ता की बात करके मैंने आपका दिल तो नहीं दुखा दिया? This is a peace offering तुम्हारे लिए। I hope you don't mind, ये अपर्णा का बनाया हुआ। तुम जानती हो अपर्णा कौन थी? जी हाँ। लीजिए, मेरी तरफ से पीस ऑफरिंग। आई होप यू डोंट माइंड। कवित्री आंदाल का चित्र है। वो ना मिल सकने वाले प्रभु की दीवानी थी, मीरा जैसे। जब तक पत्नी नहीं मान पा रहे हैं तब तक सखी ही मान लें।
और इस संधि पे हैंडशेक। Can I hug you? First time. What? आपको देखा मुस्कुराते हुए। मैं मुस्कुरा रहा था। हाँ, आप तो अपनी मुस्कान अपने से भी छुपा रहे थे, मगर एक झलक दिख गई, जैसे बिजली चमकी हो काले बादलों में। Second time. इस बार आप रंगे हाथों पकड़े गए। हैट्रिक। चलो। क्यों? ज्योतिषाचार्य केतीचारी तुमसे मिलने आए हैं। मुझसे मिलने? हाँ, आओ जल्दी। पहले ये बताइए, आप मेरी पत्री क्यों बांच रहे हैं? जमाई राजा को उसी तरह समझा दीजिए पंडित जी, जिस तरह हमें समझाया था। आपने हड़प्पा मोहनजोदारो में खुदाई तो की है, लेकिन मोहनजोदारो का अर्थ जानते हैं? जी हाँ। ये लोग नहीं जानते, मोहनजोदारो का अर्थ है मुर्दों का टीला। तो उन्हीं मुर्दों के प्रेत आपसे चिपट गए हैं जजमान। इस रोग का उपचार किसी डॉक्टर के वश का नहीं है, भगवान के वश का भी नहीं है। ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ? अगर आप नहीं कह सकते हैं तो आप जा सकते हैं यहाँ से। ए राम। ना ना ना, बच्चे को डांटिए मत, ये वो स्वयं नहीं बोल रहा, उसे बुलवा रहे हैं। आप देखिएगा, यजमान का प्रायश्चित अनुष्ठान होते ही बुद्धि स्वाधीन हो जाएगी। किसकी बुद्धि स्वाधीन हो जाएगी यहाँ? मेरी? ये मैं नहीं बोल रहा। लगता है यहाँ कोई खुद कुछ नहीं कह रहा है, मुझे प्रेत बुलवा रहे और आपको इनके पैसे। आप सब यही कहना चाहते हैं ना कि मैं पागल हो चुका हूँ? नहीं जमाए राजा, इनका मतलब ये नहीं। तो आप ही बताइए इनका मतलब क्या है। ए राम, तुझे इस सब पर विश्वास नहीं, लेकिन जिनको है। अगर आपको है तो आप अनुष्ठान कीजिए मामा जी, मैं तंग आ चुका हूँ इन पोंगा पंडितों से। अरे बेटा साकेतराम, आप अपने आप जाएंगे या आर्मगम? नहीं, समझ गया। गुड। किसी से ये पूछना अपशकुन होता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, इसलिए आप जाने से पहले खुद ही बता दीजिए। हम कोई स्कूली बच्चे नहीं, बगैर बड़ों को बताए हम घर से निकल ही ना सके। आपने हम कहा? जी हाँ। कपड़े पैक करो। जाकर पूछ भैया मैत्री को कहाँ ले जा रहा है। हाँ, पेट फूला है, आ गई तो बदनामी हो जाएगी ना। दीदी, यह ऐसी मजाक का समय नहीं है। ननंद जी बस रुकिए, जब बेटी पराई हो चुकी है उसे वो कहीं भी ले जाए, हमें उससे क्या, पूछ पूछ कर नाराज मत कीजिए उन्हें। ये मेरा भांजा होशो हवास में नहीं है,
अगर इसने आपकी बेटी को ले जाकर कहीं छोड़ दिया, अगर छोड़ने की नीयत होती तो लेकर क्यों जाते? मेरी पत्नी पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन कभी कभी मुझसे ज्यादा समझदारी दिखाती। क्या क्या रही है? ये कह रही है इडली और चटनी के ऊपर टपकाने वाला तिल का तेल रख दिया है। बेटी जमाई राजे से कहना स्टेशन का गंदा खाना ना खाएं। इनकी पसंद का नाश्ता रख दिया है। थैंक यू सासू जी, थैंक यू। मैं इनकी चरण छू के आऊं? लेकिन जल्दी। पूछना गाड़ी किस स्टेशन से छूटेगी। एडमोर बताए तो एक उंगली उठाना, सेंट्रल तो दो। चरण छू तो फिकर मत करना, मैं पीछे पीछे फॉलो करूंगा। एडमोर सेंट्रल, वेरी गुड। सुनिए, हमारी गाड़ी सेंट्रल स्टेशन से जाएगी या एडमोर स्टेशन से? मैं चौथी बार मुस्कुराया मैथिली, शायद तुम देख नहीं पाए। देखा नहीं, मद्रास ऊपर से। मैं कान खा रही हूँ? नहीं, कान फाड़ रही है इंजन की आवाज। सॉरी, बोलो। नहीं नहीं, पढ़िए, ये पढ़ेंगे। नहीं, ये कोई गंदी किताब है, कवर चढ़ा रखा है ना इसीलिए। Some things are better done undercover. गांधी जी कहते हैं कि छुपाना पाप है। तो आपका ये प्यारा ब्लाउज बड़ा पापी है। जी, गांधी जी ने विचारों के बारे में ये बात कही है। गांधी जी के इस विचार के बारे में आपका क्या विचार है? इसमें क्या गलत है? गांधी जी का मतलब सिर्फ यही है कि बदला लेने से समस्या का हल नहीं होगा। समस्या का हल ऐसे होगा कि जब तक गांधी जी यहाँ से उन्हें बचाकर निकलेंगे, वहाँ बचाने के लिए हमारा कोई नहीं बचेगा। गांधी जी ने तीन तरह के बंदर पाल रखे हैं। एक जो सिर्फ गांधी जी की बात सुनते हैं, दूसरे वो जो इस डर से मुंह बंद रखते हैं कि गांधी जी के खिलाफ कुछ ना निकल जाए, तीसरे वो जो असली दुनिया से आंख मूंद कर गांधी जी के रचे हुए कल्पना लोक में खोए रहते हैं। तुम इनमें से कौन सा बंदर हो? राजनीति में पांव जमाने के खातिर गांधी जी के इर्द गिर्द घूमने वालों में ऐसे चापलूस बंदर जरूर होंगे, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैं गांधी जी का वो बंदर हूँ जो बुरा न देखता है, न सुनता है, न बोलता है। अच्छी बातों के लिए मेरे आंख कान मुंह सदा खुले हुए हैं। गुड, तब तो तुम ये किताब पढ़ सकती हो, हिस्ट्री है। I hate semi-fiction. Touché. Try quietly. ये कौन सी भाषा है? हिंदी तो नहीं? मराठी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हाँ, वेलकम टू महाराष्ट्र। आ,
ये श्री राम पांडे, रामकृष्ण पांडे। नाम में क्या रखा है, इम्पोर्टेंट तो आदमी होता है। आप? ये मैथिली मेरी पत्नी। पत्नी? जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई। क्यों, कब कब हुई शादी? अभी 2 महीने पहले। भाभी जी, वेलकम टू महाराष्ट्र। मैं छोटी हूँ आपसे। अच्छा, आओ मैत्री। मैथिली? हाँ, तुम्हें शिकार तो अच्छा लगता है। जी, मैं पक्की शाकाहारी हूँ, ये भी है ना जी? हाँ, शाकाहारी तो हूँ, लेकिन शिकार के लिए तो जा ही सकता हूँ। तुम आओगे? मैं नहीं आऊंगी, बेकसूर जानवरों पर गोली चलाने का जी कैसे करता है? जब खाने का जी कर सकता है, गोली चलाने का क्यों नहीं? वैसे तो सब कुछ मौज मस्ती के लिए ही तो होता है। किसकी मस्ती की? मनुष्य की, और किसकी? इसमें नाइस कार। थैंक्स, लेकिन ये मेरी नहीं है, राजा साहब की है। राम, इट्स स्पेशली फॉर यू। थैंक्स। अच्छा, मौज मस्ती के लिए जानवर आप पर गोली चलाते? आई बेग योर पार्डन। मैं बताता हूँ, पहले वो बंदूक तो इजाद करें। ठीक है, अगर कोई भेड़िया आकर आपका बच्चा उठा ले जाए तो आप उसे उचित कहेंगे? भेड़िए की नजर से देखा जाए तो हाँ, उचित है। लवली मीट, बहुत भूख लगी है। तुम क्या खाओगे, हिरन खरगोश? दोनों नहीं, मैं शाकाहारी हूं, शिकार का सिर्फ शौक है। अरे मेरे शाकाहारी शिकारी, अरे वन में जो पेट भरने के लिए नहीं, पौरुष प्रमाणित करने के लिए आता है, वही असली शिकारी होता है। तुला मैं मरत नव्हतो आपल्याला हवा तसा आहे म्हणून। हो बहुतेक। रेडी। राजा साहब, गेट लाऊ का उघडाला? अहो, आता आम्हा राजा राजवाड्यांच्या करता सगळीच फाटक बंद झाली आहे, एवढं एक फाटक उघडून काय होणार आहे? सॉरी, हमने ये कहा कि हम राजा महाराजाओं के लिए अब सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो ये एक दरवाजा खुलवाने से क्या हो? राम, जरा पापड़ वाला बोलो। लेकिन ये तो गरीबों का भोजन है महाराज। अरे भाई, सरदार पटेल के राज में तो महाराजाओं को भी पापड़ ही खाना पड़ेगा। पापड़ वाले, हाँ इधर आओ। बोलिए सरकार, पापड़ अचार पूरा टोकरा ही रख दो। अरे जैसा हुकुम सरकार का। ये लो, गिनती आती है ना? That is what I used to do in Karachi, Your Highness. Lalwani? Your Highness, is my friend from Karachi, an industrialist. ये क्या हाल बना रखा है तू? घर गया, दुकान जल गई, जलिया गई, जला दिया। बीना भाभी कहाँ है? बीना की जो इज्जत भी गई और जान भी गई उसकी। बच्चे? बड़ी वाली कैंप में हैजा फैला था, मर गई। छोटी रोमिला? रो
मेरा हाथ जुट गया बगदड़ में, उससे खो गई, ढूंढा मिली पे, बच्चे का हाथ नहीं छोड़ा कभी, हाथ छोड़ोगे बच्चा मिलता नहीं। माँ बाप को घा काट के भेज, पूरी ट्रेन काट के भेज, तुम क्या समझे, तू तो मद्रासी है। नहीं लालू, मैं समझ सकता हूँ। जो चला गया उसे भूल जाओ। लो पियो, बहुत अच्छी चीज है, कम बुलाने की इससे बढ़िया कोई दवा नहीं। ड्रिंक? Nowadays I don't drink. All right क्या? ये सोमरस है राम, शराब नहीं है, कोई पाप नहीं लगेगा। पियो, राजा साहब बुला रहे हैं। हाँ चलो चलो। नहीं आपको नहीं लालवानी साहब, राजा साहब राम से अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। इतने दिनों बाद मेरा यार मिला, ऐसे थोड़ी जाने दूंगा मैं। बस हम अभी आते हैं मैथिली। विल बी बैक इन 5 मिनट्स। राम
सज्जनों, यदि हमें हिंदू आत्मा को जीवित रखना है तो इस महात्मा को मरना ही होगा। हिंदू राष्ट्र का यह परम दुर्भाग्य है कि उसका सबसे बड़ा शत्रु स्वयं एक हिंदू है। शुरू से आज तक उसकी एक एक कथनी और करनी उनका हित करवाती आई है और हमारा अहित। देवानां सहिताय वै नमोऽस्तु ते महामाये महाघोर पराक्रमे। जिनके पूर्वजों ने हमें शास्त्रों की पूजा की है और देश और धर्म की रक्षा के लिए उन्हें उठाया है, उन्हें वो आत्मरक्षा तक के लिए भी अस्त्र उठाने नहीं दे रहा है। एक छोटे से हरे पौधे को कितना बड़ा वृक्ष। तो वीरो, दिखा दो दुनिया को कि हिंदू स्त्रैण सत्याग्रह का पुजारी नहीं बल्कि पुरुषोचित वीरता का व्रतधारी है। श्री राम अभ्यंगर। साकेत राम। लेकिन ये तो शादीशुदा आदमी है राजा साहब। So what? Said like a true hunter. वीरो, लगता है आज विजयदशमी के दिन भवानी इस वध के लिए किसी राम का ही चुनाव करना चाहती है। चलो रामो, चुनो हथियार। Chosen well. The broom handle. Mauser. तेरा
काठियावाड़ी घोड़ा हमारे बहुत काम का था, लेकिन अब ये खुद तकलीफ पा रहा है और हमें भी तकलीफ दे रहा है। हम समझते हैं कि दया करके इसका वध कर देना चाहिए। क्यों रहा? मिस्टर लालवानी, आप अभी तक गए नहीं? नहीं सर, मैं आपसे और राम से विदा लेने के लिए रुक गया था। राम, आई गॉट योर फ्रेंड अ जॉब इन सांगली। बहुत अच्छी नौकरी और बहुत अच्छा पैसा है। योर हाइनेस, थैंक यू वेरी मच।
डोंट इवन मेंशन इट। राम, हम जरा अभ्यंकर को पांडे को देखकर आते हैं। जी आप यहीं रुकना। जी मैं चलता हूं, अब तुम लोग प्रेम की बातें करो, मैं कबाब में हड्डी बनकर क्या करूंगा। थैंक्स राम। नहीं, मुझे किस लिए? मुझे मेरे गम भुलवाने के लिए बस। भाभी प्रणाम, फिर कभी चलता हूं। क्या बात है? प्रभु ने मेरे सुहाग पर तरस खा के आपको बचा लिया। मेरी माँ ने मेरे पिताजी से ये कभी नहीं कहा होगा, क्योंकि शायद उनकी डिक्शनरी में ये शब्द है ही नहीं। लेकिन मैं आपसे ये बार बार कहना चाहती हूँ कि कहो। आई थिंक आई नो आई लव यू। I think so too. इसीलिए परेशान हूँ। परेशान? क्यों? मैं भी तुमसे कहना चाहता हूँ कि I love you. कहिए ना। लेकिन मेरे हाथ पाप से सने हैं। शिकार खेलना कोई पाप थोड़ी है। शिकार करना तो शेर का धर्म है। I love you, my tiger. Anthony. मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूं तो चैन मिल जाएगा? जरूर मिल जाएगा। हम एक बार पांडे जी से मिल आए, उसके बाद बताइएगा। आई वॉन्ट टू नो। कैसे है वो? वैसे बच तो गए हैं वो, लेकिन अब कभी वो चल नहीं पाएंगे। क्या उनकी टांगे? क्वाड्रिप्लेजिया। गर्दन से नीचे लकवा। राम, अभ्यंकर पांडे आपसे मिलना चाहते हैं। चलो। नो, आई एम सॉरी मिसेस राम, लेकिन पांडे सिर्फ आपके पति से मिलना चाहते हैं। आप चाहिए ना। मैं अभी आता हूं। जी। बहुत दर्द हो रहा है? शरीर हो तो महसूस हो। धीरे धीरे सब ठीक। झूठ मत बोलो, ये शरीर तो एक पोर्च होता है, अब वो नहीं रहा। मेरी आत्मा सजग है और वो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। मेरा शरीर बनकर तुम मेरा कर्तव्य करोगे ना? जो तुम करोगे वो मेरे लिए नहीं, हम सबके लिए करोगे। भारत माता और हिंदू राष्ट्र के लिए करोगे।
कहो, तुम्हारे अब कोई सगे संबंधी नहीं है? तुम्हारे अब मेरे अब मेरे अब कोई सगे संबंधी नहीं है। चंदो, सर पर हाथ रखो। वचन देता हूं। दाहिनी तरफ मेज पर एक पार्सल रखा है, उसे उठाओ। मेरे सीने पर रखो। गांधी जी की जीवन लीला कब समाप्त होनी है ये राजा साहब तय करेंगे और तार द्वारा तुम्हें सूचित कर देंगे। वंदे मातरम। We have rushed to the hospital. धीरे, ऊपर के सर ऊपर ना जाए। पापा, एम्बुलेंस अब तक पहुंची नहीं। हम दादाजी को अपनी वैन से ले जाते हैं। हाँ, अब चलेंगे? नहीं, फालतू भीड़ लगाने से क्या फायदा, तुम जाओ। ऑपरेशन के लिए कंसेंट सिग्नेचर मांगेंगे। ये कोई जरूरी है कि बेटा ही कंसेंट लेटर साइन करे? पोता भी कर सकता है। जाओ। आपने जगा कर बता दिया दादी को? क्यों, जोड़ी बना के हॉस्पिटल भेजना है क्या? बहुत मुश्किल से नींद आई है बिचारी को। अच्छी बुरी जैसी भी खबर होगी उन्हें बाद में बताएंगे। राम, we have to hurry now. देखा कितना प्यार है इन्हें दादाजी से। मैं भी इसी बेरुखी से पेश आऊं तो मालूम चले। अभी इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना ज्यादा जरूरी है। किरण, come on, come on. आगे जाने की परमिशन नहीं है। क्यों, पेपर नहीं पढ़ते क्या? क्या भूल गया कौन तारीख है? 6 दिसंबर। आज दंगे होने के पूरे जाने से चले पीछे। ओह नो, मैं फॉरेन पेशेंट हॉस्पिटल ले जाना है। क्या हम बीच रोड से जा सकते हैं? नहीं, वही बंद है। ये जिंदगी और मौत का सवाल है, इसलिए रुक गए साहब। प्लीज हमें मेन रोड क्रॉस करने दीजिए। 5 मिनट में हम अस्पताल पहुंच जाएंगे। ये रख लीजिए दोनों के लिए, रख लीजिए। आज दंगे आप नौकरी चलेगा जिंदगी भर देंगे। हाँ जा रहे सब। ये इधर कहाँ जा रहे हो? शॉर्टकट, ये सीधा पेट्रोल पंप पर निकलेगा। अगर हम पुलिस नहीं हुई तो हम सीधे सड़क क्रॉस कर लेंगे। ओह गॉड, आई हेट दिस रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। सो डज गॉड। धर्म और राजनीति का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक है, एकदम जैसा कि सेक्स और वायलेंस का। पर पक्का कमर्शियल कॉम्बिनेशन है, शहर से लेके गाँव तक कामयाब। Was it fast?
मेजर चेयर साहब, शूटिंग ऑर्डर सेंड किया क्या? नहीं बोला पास। गो बैक, गो बैक। थैंक यू, थैंक गॉड। बॉय, हमें शूटिंग ऑर्डर मिल गए हैं। बी इन कंट्रोल, वेट फॉर माय ऑर्डर्स। कैसी हो आप? जैसी थी। पधारिए पधारिए संदीप जी, आज सूर्य पश्चिम से होगा होगा, जो आपके दिव्य दर्शन हुए। हमें तो समधन जी ने खबर भिजवाई थी कि मैथिली मैथिली बिचारी को इनकी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मैंने इन्हें बुलवा लिया। जमाई जी, नमस्कार। आप यहाँ कब आए? अभी आए। हाँ, मैथिली ने बताया था। मैं नहीं तो। अच्छा, आइए आइए आइए। तो मैं सामान आप, नहीं नहीं वो सामान तो आ जाएगा। आप आओ आओ। आर्मुगम, इन्हें बाथरूम दिखा देना। जमाई राजू को बता दिया? वो मुझे बात ही कहाँ करते हैं। महाराष्ट्र में तो बड़े प्यार से बात करने लगे थे, पर अब फिर तू झगड़ी होगी। कोई झगड़ा नहीं हुआ माँ, वो बस फिर अपने में ही खोए रहने लगे हैं।
सरकार तार आया, जरा दस्तखत कर दीजिए। मामा जी नहीं है, वो सब अस्पताल गए हैं सरकार। क्यों गए हैं? कुछ बताया नहीं सरकार। अरे अंदर आ जाओ, मामा जी तो नहीं है ना? बस करो, आप बताओ। आप ही बताइए ना। तुम ही बताओ ना। ये अकड़ बकड़ का खेल क्या खेल रहे हैं, आप ही बता दीजिए ना। जमाए राजा, अ गुड न्यूज। मैं दादा बनने वाला हूँ। और ये नानी बनने वाली है। और ये नाना। और मैं क्या बनूंगा? सभी कुछ ना कुछ बनेंगे, तू बड़ा भैया बन जाएगा। सम भवानी युगे युगे। अरे क्या देख रहा है मूड, तुरंत साष्टांग नमस्कार कर इनको भी। इसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों नहीं? लेकिन ज्यादा नमस्कार करेंगे तो कमर टूट जाएगी। सब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। आजा आजा उपली, आइए आइए, आप भी आइए। दो बार बस है, दो बार। नकली जाओ एमएस सुबह लक्ष्मी का रिकॉर्ड लगाओ। संदी जी मिठाई निकालिए ना। ये लिए खास लड्डू लाया हूँ। भाषम आज मैं भी खाऊंगी। आपको डॉक्टर ने इसलिए खाने को मना किया था। आज के दिन ठीक है, सब कुछ माफ है। महापाप है, महापाप है। मौसा जी आप बोले। मौसा जी
प्रिय मैथिली, कहते हैं विवाह जन्म जन्म का नाता होता है, लेकिन मैं तुमसे इसी जन्म में नाता तोड़कर जा रहा हूं। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तत्त्वमस्याधिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। मेरा पिछले जन्म का कोई पुण्य था कि तुम जैसी आदर्श पत्नी मिली, लेकिन तुम्हारे लिए कोई अभिशाप था कि तुम्हें मुझ जैसा पति मिला। गमा गमस्तम गमनादि शून्यम चिद्रूपरूपम तिमिरापहारम पश्यामि ते सर्वजनांतरस्तम नमामि हंसं परमार्थरूपम्। तुम्हारे प्रति और होने वाली संतान के प्रति अपना कर्तव्य भुलाकर मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे भारत माता के प्रति अपना कर्तव्य निभाना है। मैं क्षमा चाहता हूँ तुमसे। मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि हमारी संतान तुम्हारे गुणों से भरी हो और मेरे दोषों से अछूती। मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा। वसंता दीदी ही मेरी माँ जैसी थी और अब तुम भी। तुम्हारे माता पिता मुझे श्राप देंगे, उनका श्राप सिर माथे पर लेता हूँ। किसी का भी नहीं, प्रेमहीन साकेत। राम। मौसी। मौसी? अरे कुछ नहीं, क्या हो गया? मौसी तो वैसे कुछ खाया नहीं और डायबिटीज भी है। वसंता मौसी हेलो। सर्वे वेदा यत्पदमामदन्ति तपांसि सर्वा निज यत्पदन्ति यदिच्छन्दो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि। South of India, Madras, sir. Like a decent room to stay. You have to make a deposit, sir. Yes, of course. Yeah. That's fine, sir. Can I have your name, sir? Bhairav. K. Bhairav. Porter, inka luggage leke jao. 43. Good afternoon. My name is Govardhan. Bhairav Andhra, Karnataka, alva? No. Aapka family baad mein aayegi? I have no family. Like me? Then you must be lonely. Lucky room, sir. Jo chahenge, wahi hoga, sir. Thank you, sir. Yeah, chalo. Sir, aap kya chahte hain? Arre, you are mistaken me, sir. Mai kuch nahi chahta.
आप क्या चाहते हैं? डू यू ड्रिंक? आप डल्ले हैं? आर यू ऑफ पिन? क्या बात करते हैं सर, वैसे काफी अनुभवी लगते हैं। खूब पहचाना। ये मेरा कार्ड है, फोन भी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं की भी कुमारी कन्या ला सकता हूँ, एंग्लो इंडियन और विलायती में भी। गुड डे सर। नेहरू भी है साथ में, मौलाना भी है, चाहे तो हम यही कर सकते हैं। ये किसका कमरा? मेरा कमरा है। कहिए। ये क्या है कि गांधी जी का फोटो खींचना है, इस खिड़की से खींचने से शायद अच्छा है, अंदर जाके देख सकता हूँ। कह तो दिया, देख लीजिए। लेकिन अंधेरा है, बल्ब फ्यूज हो गया है। कोई बात नहीं। मैं बाद में फोटो खींचने आऊंगा, कोई मना तो नहीं करेगा ना? अरे बाबा, कह तो दिया, बार बार क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो पहली बार पूछ रहा हूँ। आप पहली बार पूछ रहे हैं, लेकिन आपका जो दोस्त आया था उसने पूरे 10 बार पूछा था। दोस्त? फोटोग्राफर था आपके सरी का, 10 रुपया पेशगी दे गया, आप फोटो खींचने के बाद बकाया 10 दे देना। मतलब कोई और भी फोटो खींचने वाला है? तो अगला आपका दोस्त नहीं है। आइए दीजिए 10 रुपये, लाइए। ये तो 5 है, ये 10, ये पेशगी है, बाकी के 10 बाद में दीजिएगा। जयराम जी की। बढ़िया है, सडनली सेड नो। व्हाट? यस, यू इन गोपाल इज अलोन? सॉरी सॉरी। We'll have to manage. Nathu, are you all right? Yes, I'm all right. Dukka khub dukte. राजा, भगवान की कृपा से आपने
आपकी चिट्ठी पढ़ के तो हमारे होश उड़ गए थे। बाद में मेरी निगाह उस तार पे पड़ी। गांधी जी की सेवा करनी है तो हमसे बता देना। ये है मिस्टर गोयल, बंबई के उद्योगपति हैं, गांधी जी के निकट के लोगों में से एक। नमस्ते साकेत राम जी, आपने तो अपने ससुर जी को चिंता में डाल दिया। बहुत ये तो भगवान का शुक्र है कि आप मिल गए। शुक्र तो आपका है। जब से आप गए मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। उसी दिन आपके मौसा से गुजर गए, दोहरे शोक में वसंता मौस से भी। आश्रम मामा ने तो खाट पकड़ ली, अंबुशम मैथिली तो उनकी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए उनकी हर बात डॉक्टर सुशीला नायर दोहराएंगी। भाइयों और बहनों, सबसे पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, कि आशा करता हूं कि मुसलमान भाइयों की रक्षा के लिए जिन लोगों ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं, जिन लोगों ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं, ईश्वर को साक्षी मान कर किए हैं। कलकत्ता में अब भी कुछ लोगों को डर है कि यहाँ जो कुछ हो रहा है वो सारा दिखावटी है। अगर दिल्ली के लोग और यहाँ आए शरणार्थी दोनों अपनी बात पे पक्के रहें। मुझे पूरा विश्वास है ये लोग भारत को भी बचा सकते हैं और पाकिस्तान को भी। दूसरी बात ये अभी सरदार ने बंबई में जो कुछ भी कहा उसे आप लोग ध्यान से सुने तो आपको भी पता चल जाएगा कि जवाहरलाल और सरदार में कोई झगड़ा नहीं है। जान मारी की आवाज है बच्चे, शांत हो जाइए बच्चा। इतना क्यों घबरा गई मनु? अगर सचमुच हमें जमाए राजा उधर मत जाइए। ताकि दाम जी यही रुकिए। कैसा अन्याय है, एक नरपिशाच महात्मा के प्राण लेना चाहता है। सचमुच कलयुग आ ही गया है ना जमाहराज? आप चिंता मत कीजिए, आप कल गांधी जी से मिलेंगे और उनसे बात भी कर पाएंगे। मिस्टर गोयल ने प्रबंध करवा दिया। बिल्कुल, कल अगर बापू का स्वास्थ्य ठीक रहा तो जरूर मिलवा दूंगा। हुजूर आप कहाँ जा रहे हैं? भाई हम जरा टैक्सी पकड़ने जा रहे हैं। लेकिन मेहरा साहब हैं? नहीं है। भाई हम टैक्सी पकड़ने जा रहे थे, ये जाने नहीं दे रहे। टीम को थैंक यू। थैंक यू भाई। अभी सूचना मिली है कि बिरला निवास में हुए बम विस्फोट के पीछे पूना स्थित एक हिंदुत्ववादी दल का हाथ है। हिंदी में समाचार आप ऑल इंडिया रेडियो से सुन रहे हैं। पास में कोई सिनेमा थिएटर है? रीगल है सर, इसमें फिल्म अच्छी नहीं है। देखिए हमारे इजाजत के बगैर इस होटल से बाहर कोई नहीं जाएगा। हवलदार दरवाजा बंद करो। मैनेजर कहाँ है? अभी बुलाता हूँ सर। यस मैं हूँ मैनेजर, फरमाइए। आप हैं मैनेजर? हाँ। ये लीजिए सर्च वारंट है, आप अपने कमरों की तलाशी करवाइए। आपके होटल में वो आदमी छुपा हुआ जो महात्मा गांधी जी का कत्ल करवाना चाहता। जनाब अगर आप चाहें तो बेशक तलाशी ले सकते हैं।
हम आपकी पूरी मदद करेंगे, मगर आपको कोई गलत फहमी हो गई, ये होटल बहुत इज्जतदार है। अच्छा, अभी पता लगा। चलिए सर, इस कमरे में कोई नहीं है। ओपन द डोर प्लीज। क्या रहे थे? पुलिस, ओपन द डोर प्लीज। जस्ट अ मिनट प्लीज। आप कहां से तशरीफ लाए? I don't speak Hindi. अच्छा, सर, नथुराम गोडसे का कमरा नंबर 40 है। Sorry to disturb you, gentlemen. Kindly don't leave the room without our permission. Right. वो लारी तो अभी 4-5 दिन के बाद ही आएगी हुजूर। अपने पास तो एक हफ्ते का स्टॉक पड़ा हुआ है, आपको कितने क्रेडिट चाहिए? मुझे सिर्फ ये बताइए, आज इस वक्त वो लारी कहाँ मिलेगी? क्या है कि मैं अपनी बालकनी से झांक रहा था और मेरा पर्स उसमें। आपके पर्स में कितना पैसा था हुजूर? 3,000-5,000। आपकी जान की कीमत 5,000 से कई गुना ज्यादा है हुजूर। उस सोडा कंपनी का मालिक मुसलमान है, वो फैक्ट्री चांदनी चौक के पास है, उधर कर्फ्यू भी लगा हुआ है। भूल जाइए पर्स को, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा हुजूर। गुजारिश है कि अपने अपने घरों को लौट। जमीला पाकिस्तान चली गई है। सोचे मत, चलिए। बड़ी छोटी, आपको जो भी पसंद है नई दिल्ली में दिलवा दूंगा। टॉप क्वालिटी का। प्लीज मिस्टर फेरो, तो मैं तो जा रहा हूं, मुझे अपने घर जिंदा वापस पहुंचना है। मेरा काम कराए बगैर तुम जिंदा वापस नहीं पहुंच पाओगे। धमकी दे रहा है? बता रहा हूं सर। अरे जमीला, खतरनाक खेल है। यू डोंट हैव रेस्पेक्ट फॉर ओल्ड एज। लौंडे चाहिए मुझे। लड़की वड़की नहीं, ये आजाद सोडा फैक्ट्री की तलाश है। सोडा फैक्ट्री? ए सच सच बताओ तुम कौन हो? राम, अरे पंडित जी, अरे मुझे लगा कि कोई मुसलमान बिरहमन के भेष में है। अरे यार तुम यहाँ कैसे हैं? यार इज दिस फेलो ट्रबलिंग यू? नहीं, ये मेरे दल यहाँ भी तेरा फ्रेंड है, तूने पहले नहीं बताया? अरे नहीं नहीं, कैसे बताएंगे, इनको खुद नहीं मालूम था कि मैं यहाँ हूँ। आप? मैं गोवर्धन, इनका लंगोटिया यार हूँ। तुम ठीक तो हो? और हमारी सलज अपर्णा कैसी हैं? वो कलकत्ता के दंगों में मारी गई। खैर चलो, घर चलो, कर्फ्यू का वक्त हो गया है और अब मैं यहीं बस गया हूँ, नॉट कराची। नहीं, मैं बाद में आऊँ, कुछ काम है। कर्फ्यू का मतलब नहीं समझते क्या? पुलिस की गोलियों से भून दिए जाओगे। चलो काम बाद में कर लेना। नहीं, मुझे एक जगह ढूंढनी है। कर्फ्यू लगने में अब 30 मिनट बाकी, वक्त है ही कहाँ। चलो घर चलो, अपनी बहन नफीसा से भी मिल लेना। ये दिल्ली है, मद्रास नहीं है, यहाँ पे कीमा बना दिया जाएगा। ओके ओके,
किस जगह की तलाश है तुम्हें? अरे बता दे, तेरा दोस्त है, तेरा काम फॉरन बनवा देगा। अबे चुप। क्या है कि मेरा पर्स एक सोडा ट्रक में गिर गया, कोई आजाद सोडा फैक्ट्री, पता है? क्या? आओ, अरे आओ ना, आओ। इनके साथ सिम। अच्छा मैं चलता हूँ साहब, खुदा हाफिज। कर्फ्यू में कहाँ जाएंगे, आज रात यहीं रही। आई, अरे ये आप नहीं। ये गांधी बाबा का चेला बना जब ही मैं समझ गया था, ये हिंदुओं से जा मिला है। लो, अब आप खुद ही देख लो। कुरैशी, माना तुम्हारी बात में दम है, लेकिन अपने भांजे की बात हम बाद में कर लेंगे, पहले इसके साथ आए काफिरों से तो निपट लें। मामूजान, मामूजान, राम ऐसा नहीं है जैसा आप समझ। खामोश, खामोश। आपके दोस्त का पर्स तो बहुत करम आती है, जब चाहे जादू से पिस्तौल बन जाता है, और वो भी 303। एक कारतूस 3-4 जाने ले सकता है, उसमें से एक आपकी अम्मी की भी हो सकती है। भूल गए, इन्हीं हिंदुओं ने आपके अब्बा और छोटे मामू का कत्ल किया था। नहीं, राम उनमें से नहीं। बाबू जान, आप खामखा इस पर शक कर रहे हैं, मैं इसे बरसों से जानता हूं, हमारी नफीसा से राखी बांधती हैं। राम, मुझे पता है तुम्हारी पिस्तौल नहीं। अमजा, तुम्हें अब भी तमन याद है? बात मेरा तुपा के ना उतना आगे यार इनको लवरला तुपा के कुर्तटा पोइला आना पावे कुटे नाने कोई लेर के दिए। मैं एक गरीब दलाल हूं साहब, गंस नहीं, गंस। जलाल भाई, जब गोली लगेगी जब ये बताएंगे कि आपकी फैक्ट्री में छिपे हमारे मुसलमान भाइयों को मारने की इन्होंने क्या क्या प्लानिंग कर रखी। नहीं नहीं नहीं, कुरैशी भाई, आपको कोई गलत फहमी हुई है, राम एक नेक इंसान है। सच मामू जान, वैसे भी पिस्तौल तो आजकल सभी के पास होती है, मैं इसको उतनी अच्छी तरह से जानता हूँ जितना अपने आप को। तू अपने आप को कहाँ जानता है, और वैसे भी ये मरेगा नहीं, मैं उसके घुटने उड़ा दूंगा। चल हट, हटा के। नहीं नहीं, मैं इसको हट लूंगा, ये खुद बता देगा। हम जा, हो जा, कहिए ना। अरे शिवाय भाई साहब, हट जा भैया। मां जरा भी कमाल कर रहे हो, छोड़ो उसको।
उतार। चल भाई, चल भाई। पूरी नाक का बंदी कर दो और जिंदा पकड़ो साले को। आराम से आदेश से कुछ होगा लुआ लुआ। गोवर्धन साहब, पुलिस को फोन करने का कोई फायदा नहीं था तो आपको कर रहा हूँ। सुनिए, मैं एक ग्राहक के साथ जामा मस्जिद के इलाके में आया था कि हमें घेर कर आजाद सोडा फैक्ट्री में ले आया गया, जहाँ राइफलधारी मुसलमानों को पूरी फौज जमा है। मैं किसी तरह आँख बचा कर फोन कर रहा हूँ। आप लोग फौरन आइए, इनसे निपटिए और हमें छुड़वाइए। आजाद सोडा फैक्ट्री, हाँ, ए फॉर आरती। मैं तुम्हें अभी भी बचा लूंगा। सच सच बताओ, क्या तुम यहां पर मुसलमानों को मारने के लिए आए थे? नहीं। शुक्र है अल्लाह का। फिर ये पिस्तौल मेरी है। मालूम है, लेकिन इसको यहां पर क्यों लाए? मैं नहीं, तुम्हारे मामू का ट्रक लाया। गुड बाय। अरे क्या, पागल हो गए हो क्या? तुम मेरी मदद के बगैर यहां से नहीं जा सकते, समझे? मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। तुम्हारे सामने कोई आएगा तो तुम इस पर गोली चलाओगे। यानी ये पिस्तौल मुसलमानों को मारने के लिए ही है? है तो नहीं, लेकिन हो सकती है। ये क्या कर रहे हो और क्यों? तुम्हारी अपर्णा मर गई? मरी नहीं, मार दी गई। अनगिनत दूसरे हिंदू मर्द औरत बच्चों की तरह। अच्छा, तो पूरे हिंदू कौम की तरफ से बदला लेने आया हो तुम? आओ आओ। मेरे अबू जान याद है तुम्हें? याद है मेरे अबू जान? उन्हें हिंदुओं ने मारा। इधर बहुत हो गया, बस चले जाओ। तुम सब चले जाओ। चले जाएं हम सब? कहां? अपने जिन्ना के पाकिस्तान। खुद जिन्ना की बेटी इसे अपना वतन मानकर यहीं रह गई है। मैं तो गांधी का बेटा हूं, मैं यहीं रहूंगा। किसकी इजाजत से? अपने ही वतन में रहने के लिए मुझे किसी की? अब भी अपने को शहंशाह समझते हो? तुम विदेशी लोग खैबर से आकर 700 साल से हमें लूटते जा रहे हो। वैसे मैं 700 साल का नहीं हूं, तुम्हारी उम्र का हूं। और खैबर से तो बहुत सारे लोग यहां पर आए। उधर से नहीं, इधर से। मैं विदेशी, तुम स्वदेशी। कुछ का कहना तो यह है कि तुम्हारे राम भी खैबर पार करके आए थे। खबरदार मेरे राम के बारे में बात की तो। सॉरी, तुम्हारे राम के बारे में बात नहीं करता। अपने राम के बारे में तो बात कर सकता हूं ना। क्या हो गया है तुम्हें? तुम मुझे अपना भाई मानो ना मानो, अपना दोस्त तो मानते हो ना? उसी को याद करते हुए तो तुम्हें मारा नहीं। समय बदल गया है अमजद, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं तो। अल्लाह अल्लाह, गांधी जी की मेहरबानी से कुछ कुछ अमन चैन कायम हो गया था, तुमने फिर दंगे शुरू करवा दिए।
See what you've started. You started ice. तुम लोगों ने अपना को स्प्रे किया. You started. Okay. So I will put an end to it too. अपर्णा के कत्ल के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं और अपने अपू जान के कत्ल के लिए तुम्हें माफ करता हूं. अब तो तुम मुझे अपना भाई कबूल कर लोगे ना? नहीं तो ठीक है, अपनी गोली से मेरा सीना चलने कर दो. किसी मुसलमान को मारने की हवस जो तुम्हारे दिल में है उसे पूरा कर लो, लेकिन उसके बाद अपना गुस्सा थूक देना. मेरी मौत तुम्हें इस पागलपन से निजात दिलाए. राम, somewhere we have to put a full stop to this. मैं खून से फुल स्टॉप लगाने आया हूं, तुम लोगों को नहीं. मैं ये सब की वजह को मारने आया हूं. किस वजह को मारोगे राम? अल्ताफ टेलर, सुरावर्दी नहीं, जिन्ना भी नहीं, मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी. नहीं ना, गांधी इज द ओनली सैनिटी इन दिस कंट्री. तुम पागल हो गए हो राम, तुम पागल हो गए हो राम. मैं तुम्हें यहां से निकालता हूं. गोवर्धन. नहीं गोवर्धन जी, गोवर्धन आया. वो सोडा फैक्ट्री में झगड़ा किया? नहीं, उसके बाद यही गली में भाग गया. ठीक है, आओ. ये तुम्हारे लोग नहीं, हिंदू है. राम, मेरी जान बचा रहे हो यानी तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो? नहीं नहीं तो ठीक है. उधर नहीं, इधर. गांधी जी सही कहते हैं, तुम अगर चाहो तो हम अब भी भाई बन सकते हैं, सिर्फ कोशिश की जरूरत है. कोशिश राम, कोशिश. राम, मेरे भाई, मेरी बात सुनो. पंडित जी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपनी बहन नफीसा का ख्याल रखना. ये भाई रो छोटू. नमस्कार, मैं चारी हूं. आप ग्वालियर शाखा से हैं? कोई बात नहीं, मुझे सूचना मिली है कि सोडा फैक्ट्री में मुसलमान मोर्चा जमाए बैठे हैं और उनके पास काफी बंदूकें. हाँ? हमारे पास तो पिस्तौलों की कमी है. सुना आपके पास एक है? है? हाँ, है ना. अच्छी है. हम सोडा फैक्ट्री पर आक्रमण करने जा रहे हैं. नहीं छोटू, मेहरबानी करके सोडा फैक्ट्री को भूल जाइए. वहां पे सिर्फ कुछ बूढ़े लोग, औरतें और बच्चे हैं, और कुछ लोग हैं जो महज उनकी हिफाजत कर रहे हैं. चलो. मुसलमानों की बंदूकों का जखीरा कहाँ है मैं आपको दिखाता हूं. ये भाई है मेरा, भरत नाम है, और नफीसा नाम के एक मुसलमान लड़की के प्यार में पगला गया. पागल हो तुम, तब से इस हुलिये में रहने लगा. इससे पहले कि ये धर्म परिवर्तन कर ले मैं इसे घर ले जाने आया हूँ. चलो घर चलो. भरत, ये झूठ बोल रहे हैं, इसका नाम है अमजद. चुप भड़वे. भरत, भरत नाम है. चलो. भरत है कि अमजद, हम खुद पहचान सकते हैं.
लक्ष्मण। ए बदतमीजी नहीं, मैं आपको सच बताता हूं, मैं राम का भाई हूं लेकिन भरत नहीं हूं। मेरा नाम है अमजद अली खान और अगर आप चाहें तो आखिर में भादुर भी लगा सकते हैं। हेलो, चले जाइए, सब चले जाइए। हम कहाँ जाएं बंधु? भैरव भैरव, अपने ही आदमी को नहीं, इस बार नहीं होने दो, इस बार कुछ नहीं होगा। डॉक्टर मुझे रास्ता नहीं पता। ठीक है। नहीं कुरैशी भाई, इसने मेरी जान बचाई। चल,
भाइयों, भाइयों, हमारे बहुत सारे ब्रदरान मारे जा चुके हैं और यहां गोला बारूद भी खत्म हो गया। चंद औरतें और कुछ बच्चे हैं। अगर आप चाहें तो यहां पर आकर देख सकते हैं। शुक्रिया। देखिए हम पुलिस वाले हैं, हम आपकी मदद करने आए हैं। हमें मालूम है आप पर हमला हुआ है, फेंक दीजिए अपने हथियार। I think we are late. You can save this man, please. Quick, get the stretcher! बदौलत इस बच्चे को जिंदगी मिली है। कुरेशी का बेटा है ये। कुरेशी कहाँ है? अल्लाह, उसे नहीं बताना। राम, मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा अमजद कहाँ है? कहाँ है मेरा बच्चा? भैया, अमजद जी कहाँ है? वो ठीक तो है? गांधी जी के उपवास के बाद कितनी शांति, हम लोग चैन की नींद सो पा रहे हैं। खुद ही देखिए क्या हाल हो रहा है, दंगे फिर से भड़क उठे हैं।
सिर्फ एक बेवकूफ पिस्तौल वाले की वजह से। एक भी बेड खाली नहीं है। मिस्टर राम इस तरफ। इसे देखिए, बच्चों तक को नहीं छोड़ते। इस बेचारे ने तो अभी तक ये भी तय नहीं किया है कि इसका धर्म क्या है। आप जल्दी पूछिए, जाइए यहाँ से। ये आपका पुलिस स्टेशन है। थैंक यू। लुक अमजद जी, उस तल्ले गोवर्धन ने मरने से पहले बताया था कि कोई भैरव नाम का हिंदू था जिसके पास पिस्तौल थी और आप उसे जानते हैं। कम ऑन, कौन था? आपने पहले कहां देखा था? मैंने पहले उस दरिंदे को कभी नहीं देखा। मैं सिर्फ राम को जानता। मेरा भाई, इसने मुझे बचाया। बस इंस्पेक्टर, जाइए उठिए। इसलिए आप इनकी बीवी और हमें जान को अलग ले जाकर बता दीजिए। क्या बताऊं? आपका दोस्त दम तोड़ चुका है। लेकिन डॉक्टर कुछ कर तो रहे हैं। आखिर तक कोशिश करने का आप हर सामने निभा रहे हैं, लेकिन आपका दोस्त कुछ क्षण पहले ही मर चुका है। बुलाइए प्लीज। मिस्टर रामजेत, आप भी आइए। क्या हुआ बताइए? दवाइयाँ चाहिए ना? मंगवा देते हैं। खलीक उस जमान साहब यस्टरडे एंड ही इज आल्सो ऑफ द सेम ओपिनियन। व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड माय बैक? डोंट शूट मी फ्रॉम बिहाइंड मिस्टर ब्रेसन। बी ए मैन, शूट माय अगली फेस फ्रॉम द फ्रंट। शोरावर्दी साहब भी हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके लिए कुछ और करें। इस आग को प्यार से ही बुझाएंगे हम। मैं तो हाथ जोड़ सकता हूं, उपवास रख सकता हूं, और क्या कर सकता हूं बोलो। मैं बता सकता हूं, मेरी राय मानेंगे आप? मैं तो राय दे दे के थक गया हूं। आपने हमें बर्बाद करके रखा हुआ है। बस करो महात्मा जी, बस करो। हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए।
चाहिए यहाँ। देखिए ये कहाँ जाओ? जहाँ हमारी उम्र के बूढ़ों को जाना चाहिए, हिमालय की गोद में। मेरा हिमालय तो यही है। आप लोगों की सेवा में मरना मेरा धर्म है। कोई कहता है चले जाओ, कोई कहता है यहां रुक के हमें बचाओ। किसकी बात सुनो? मैं तो परमात्मा की आवाज सुनूंगा बस। तो हो सकता है वो परमात्मा मेरे अंदर बैठकर ये सब कुछ कहलवा रहा हो। आप उसकी आवाज सुनकर चले क्यों नहीं जाते? बस क्या बस बस क्या रह गया बस बताने के लिए? कहां जाएं हम? कोई जगह नहीं हमारे पास रुकने के लिए। मैं उन लोगों से मिलकर इनकी बात फिर से सुनूंगा। ये बहुत नाराज है, मुझ पर ही निकाल लेने दो, वरना अपना गुस्सा किसी मुसलमान भाई पर उतारेंगे। लोगों को कम से कम बापू की उम्र का तो लिहाज करना चाहिए। ऐसे बेकाबू मत हो, अगर हम अपना गुस्सा नहीं रोक पाएंगे तो इन्हें गुस्से में खून खराबा करने से कैसे रोकेंगे? मैं कोई महात्मा नहीं हूँ बापू। पायल साहब। नमस्ते बापू। इस लड़की के कहने का मतलब है कि मैं महात्मा हूँ। कल गुसल खाने में फिसल के गिर पड़ा था, अगर वहाँ मर जाता सारी दुनिया को पता चल जाता कि मैं कोई महात्मा महात्मा नहीं हूँ। बापू जी, यू आर अ महात्मा। बापू, ये मेरे मद्रासी मित्र हैं, उपली अयंगार। नमस्कार। उपली भाई, जो भी इंसान है वो महात्मा है, नहीं तो जानवर है। और ये उपली भाई के दामाद हैं साकेत राम, ये आपके पास से दर्शन करना चाहते थे। ये वही है जिन्होंने जामा मस्जिद के पास बहुत मुसलमान भाइयों की जान बचाई। दक्षिण का राम, दक्षिण के इस राम के तो मैं भी निकट से दर्शन करना चाहता हूँ भाई। बापू, ये हाजरा बेगम है अमजद की माँ। ये नफीसा है। अमजद का जो आपके साथ पाकिस्तान जाने वाले थे वो मेरे कामन थे। राम भैया ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, मगर राम इनसे राखी बनवाता है। कब से बनी बहन? मेरे देश के दो टुकड़े होने से पहले। देखा उपली भाई, आपका दामाद भी तो महात्मा है। जी नहीं, मैं महात्मा नहीं हूँ। सभी महात्मा ऐसे कहते हैं, क्या मैं महात्मा हूँ? मैं हाँ कहूंगा तो आप इनकार करेंगे। आपको इनकार का एक और अवसर देने से मैं इनकार करता हूँ। नफीसा, तुम्हारा भाई मुझे बहुत अच्छा लगा। अमजद का बड़ा दुख है। राम, ये सारी सांप्रदायिक घृणा अगर गोली बनकर मेरे सीने में लगे तो मैं उसे झेलने को तैयार हूँ। बस इतना विश्वास हो जाए कि मेरे प्राण लेने के बाद लोग एक दूसरे को मारना छोड़ देंगे। अमजद ने भी यही कहा था शहीद होने से पहले। तुम दोनों को मेरे साथ पाकिस्तान की पदयात्रा पे चलना होगा। अमजद का वादा आप पूरा करो। भाई गोयल साहब, मैं आज जरा थका हूँ, और भी लोगों से मिलना है। आप कल आना, इनको लेके आना। कुंजम कुंजम तमिल वरुम नमक्कु नेतिकु वंग नेतिकु इज टुमारो, इज इट नॉट? नो बापूजी, नेतिकु इज यस्टरडे, टुमारो इज नालिक। तभी मेरे आलोचक सही कहते हैं कि ये गांधी तो बीते हुए कल में ही अटका पड़ा है। It's pack up time. Mightly, mujhe
मुझे फिर से बुरे सपने आ रहे हैं, मुझे जगा दो, मुझे जगा दीजिए। जान बचे और लाखों पाए, चलिए निकलिए यहां से। कैसा है मरीज? वो अब नहीं रहे। सॉरी। 6 दिसंबर अब हमारे कैलेंडरों में सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि कत्लो गारत का एक ऐसा सालाना उत्सव बन गई है जिसकी आराध्य देवियां हैं ईर्ष्या और द्वेष। ये हमें ही सोचना होगा कि क्या नई सदी का स्वागत हम ऐसे ही करेंगे। एक्सक्यूज मी, आपका नाम? इब्राहिम। सॉरी। जूते उतारो, जूते उतारो। मुझे छोड़कर चले गए नबी सर। साकेत, राम। दिस इज मिस्टर तुषार गांधी, महात्मा गांधी के परपोते। माय सन साकेत राम जूनियर। मैंने आपकी किताबें पढ़ी हैं, फैन हूं मैं आपका। फैन तो मैं हूं आपका। नहीं नहीं, आप मेरे परदादा महात्मा गांधी के फैन होंगे। आई एम जस्ट अ ग्रेट ग्रैंडसन, पर आप एक ग्रेट राइटर हैं। थैंक यू। काश ये सुन पाते आपकी ये बात। He was so proud of this child. इधर आओ। ये तुम्हारे दादाजी के खास अलमारी की चाबी है। तुम्हें सौंपने के लिए कहा था, सौंप रहे हो। जाओ तुषार जी को दादाजी का कमरा दिखाओ। आइए। तुषार जी, आपको सुनाने के लिए मेरे पास एक अद्भुत कहानी है। जरूर सुनाइए, मुझे आपकी कहानियां बहुत पसंद है। नो, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये आपकी भी है और अब हम सबकी है। नर्स को भी अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है। अगर नर्स वक्त पे तीमारदारी ना करे तो रोगी की मृत्यु हो सकती है। बिल्कुल यही बात यहाँ भी लागू होती है। प्रार्थना सभा में एक मिनट की देरी भी मुझे बहुत। देखिए बापूजी को देर हो रही है। मुझे अपना पाप कबूल करना है बापू। मुझे भी एक पाप कबूल करना है राम, वो ये के बेकार की बात में मैंने 10 मिनट की हत्या कर दी है। जिस उम्र में मैं पहुँच गया हूँ, एक एक मिनट कीमती होता है। बापू, मेरा पाप ज्यादा संगीन है। पाकिस्तान की पदयात्रा पर चलेंगे, तब मुझे अपने पाप बता देना। अच्छा, और मैं तुम्हें अपने पाप बताऊंगा। वक्त ही वक्त होगा हमारे पास, अभी वक्त नहीं है ना। बापू, बापू, मैं मवेशियों का चारा खिलाती हूँ मुझे। नमस्ते।
बा कहती थी घोड़े का चारा है। जिसे कोई हाथ भी नहीं लगाता उसे मैं मजे से खाता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बापूजी। बापू नमस्ते। नमस्ते बापू। नमस्ते बापूजी। भाई साहब बापूजी को प्रार्थना सभा के लिए पहले से ही देर। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे फिर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे फिर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। बहुत शोक के साथ सूचना दी जाती है कि बापू का प्राणांत हो गया है। Foolish. It was not a Muslim, it was a Hindu. How did you know it was a Hindu? I didn't. Was it a Hindu? Yes. Thank God for that, or the country would have been torn apart. Let us announce it. That's a good idea, Pandit ji. Yes.